हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, स्विस ब्यूटी ने अपनी न्यू सिलेक्ट रेंज लॉन्च की है, तो उसमें से मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेज किए हैं जिनका मैं आज आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने इस रेंज में से स्विस ब्यूटी की बीबी क्रीम ऑर्डर की है और कुछ लिपस्टिक्स हैं, तो लिपस्टिक का रिव्यू मैं अगले वीडियो में करूँगी। इस वीडियो में मैं बीबी क्रीम का रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है स्विस ब्यूटी की ब्राइट एंड बैलेंस बीबी क्रीम, एंड इसमें आपको SPF 30 मिल रहा है और ये पैराबेन फ्री, एनिमल टेस्ट फ्री है, वीगन है, एंड इसमें मेरा शेड है 04 क्रीमी जिंजर। इसमें आपको 30 ग्राम की क्वांटिटी मिल रही है, 3 साल की इसमें शेल्फ लाइफ मिलेगी, एंड 430 रुपीज़ इसका MRP है, एंड ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। सो गाइस, ये इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में आता है, बहुत ही और न्यू पैकेजिंग है सारी ही सिलेक्ट प्रोडक्ट की जो इनकी न्यू रेंज है, एंड बहुत ही क्रीमी लाइक इसका टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है, बिल्कुल बटर लाइक इसका टेक्सचर है। आप जब इसे अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं, एंड ये बहुत स्मूथली ग्लाइड होती है स्किन पे, बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है। तो ये बीबी क्रीम 3-in-1 स्किन परफेक्टर है, हाइड्रेट करेगी आपकी स्किन को, परफेक्ट करेगी एंड प्रोटेक्ट करेगी, एंड ये फाउंडेशन का काम भी करेगी, मॉइस्चराइजर का काम भी करेगी एंड सनस्क्रीन का भी काम करेगी। इसमें SPF 30 भी है। सो गाइस, ये बीबी क्रीम मेकअप के साथ साथ स्किन केयर के भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। काफी सारे स्किन केयर इंग्रेडिएंट भी डाले हुए हैं इसमें, नाइसमाइड है, पैंथेनॉल है, वीट जम ऑयल है, वाइटामिन ई है एंड जोजोबा ऑयल है। तो नाइसिनामाइड स्किन को ब्राइटन अप करता है एंड ऑयल को भी कंट्रोल करता है। पैंथेनॉल एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, वीट जम ऑयल एक्स्ट्रा हाइड्रेटिंग बनाता है आपकी स्किन, एंड विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल मॉइस्चराइज करता है, एंड ये 6 शेड्स में अवेलेबल है। तो चलिए इसको फेस पे अप्लाई करके देखते हैं। एंड इसका ये पॉइंटेड नोजल है, इसे फेस पे डायरेक्ट आप इस तरह से डॉट डॉट करके अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऐसे प्रोडक्ट को हाथों पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा मेरे स्किन पे लग गया था, एंड मैं उसको फिंगर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। फिंगर के साथ भी ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है क्योंकि काफ़ी स्मूथ सा इसका बटर लाइक टेक्सचर है, बहुत ईजली फिंगर के साथ भी ब्लेंड हो जाती है, एंड थोड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया था मुझे, ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लगा, बट ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया था। सो आप दोनों साइड पर डिफरेंस देख सकते हैं, एंड ये क्लेम करते हैं कि ये मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज प्रोवाइड करेगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज इसकी नहीं नज़र आ रही है। जैसे दूसरे साइड पे मुझे पिगमेंटेशन दिख रही है, डार्क स्पॉट दिख रहे हैं, इस साइड पे भी नज़र आ रहे हैं बीबी क्रीम अप्लाई करने के बाद भी, थोड़े से हल्के हुए हैं, तो बहुत ही शियर कवरेज है या ना के बराबर आप कवरेज बोल सकते हैं। तो दूसरे साइड पे मैं इसको ब्रश के साथ ब्लेंड करूँगी, एंड ब्रश के साथ भी ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है एंड जल्दी ब्लेंड हो जाती है। फिंगर के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आपको अगर थोड़ी ज़्यादा कवरेज चाहिए तो फिंगर के साथ ब्लेंड करना, एंड वैसे भी इसकी ज़्यादा कवरेज नहीं है। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट और लगा रही हूँ जहाँ पर थोड़ी डार्कनेस है, एंड फिंगर के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, कवरेज बिल्कुल वैसी की वैसी है, शेयर कवरेज है। आप इसको एज अ टिंटेड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि मुझे बीबी क्रीम जैसा इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, बट एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी है, स्किन काफ़ी ज़्यादा प्लम्प लग रही है, हाइड्रेट है, मॉइस्चराइज्ड है, एंड बहुत ही अच्छा सा रेडियंट ग्लो आया है स्किन पे। तो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी बीबी क्रीम है, मेरी भी ड्राई स्किन है, बट अगर इसकी कवरेज थोड़ी और ज़्यादा होती तो ये बहुत ही अच्छी बीबी क्रीम होती स्पेशली मेरे लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑक्सीडाइज होती है नहीं। वीडियो बनाने से पहले ही मैंने थोड़ी सी बीबी क्रीम अपने हाथों पे अप्लाई कर ली थी, एंड अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आधा घंटा ही हुआ है मैं इसको रीअप्लाई कर रही हूँ, एंड आप देख सकते हैं क्लियर थोड़ा सा शेड जो है वो चेंज हुआ है। तो ये 1 से 2 शेड ऑक्सीडाइज होती है, तो उस हिसाब से अपना शेड चूज़ करना। और प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इतना अच्छा वर्क नहीं करती है, और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी है, तो ऑयली स्किन वालों को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। ऑयल बेस्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी लगता है फेस, तो ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही नेचुरल कवरेज चाहिए है, एवरीडे के लिए यूज़ करना है तो ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ऑयली स्किन वाले इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। गाइस, यही था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।